हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्राइसिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको जो ये क्वेश्चन दिया है उसमें मैं सेकंड नंबर का करवा रहा हूँ। तो ए करके कोई मैट्रिक्स दिया है, इसको आपको दिखाना है दो मैट्रिक्स के सम से रिप्रेजेंट करना है। मतलब कि एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट थियोरम्स जो है वो आप नोट्स इसकी बना देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थियोरम वन क्या है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है विथ रियल नंबर, उसके अंदर रियल नंबर होने चाहिए, ए प्लस ए माई ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा ऑलवेज, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। बराबर, फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका अगर आप उसके लिए ये थ्योरम देखें तो ये ऐसा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगर आंसर देखेंगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा ऑलवेज, और ए माइनस ए ट्रांसपोज देखेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने आगे देख लिया है क्वेश्चन नंबर 9 या तो 8 में। अब थ्योरम 2 क्या बोल रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको कोई कोई भी हो सकता है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब ध्यान से आगे बढ़े तो देखो, पहले ये ए था तो ए ट्रांसपोज मैंने फाइंड कर लिया है। ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। अब मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज और आगे 1/2 लगाया। ऐसा क्यों किया है तो एक ऐसा थियरम ही है जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो एक जो मिलेगा वो क्या होगा हमारा सिमेट्रिक, दूसरा होगा स्क्यू सिमेट्रिक, फिर उसका एडिशन करके हमें ये लाना है। तो एडिशन करने जाएंगे वापस से तो डबल वैल्यू हो जाएगी, तो डबल ना हो इसके लिए पहले वहाँ पे हाफ लगा दिया है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज किया है, आगे 1/2 लिखा है, और ये मैट्रिक्स जो है उसको हम बोल रहे हैं एम। सपोज मैंने कोई नाम दिया है एम, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 6 + 6 = 12, -2 - 2 - 4, 2 + 2 - 4, -2 - 2 - 4, 3 + 3 = 6, -1 - 1 - 2, 2 + 2 = 4, 1 + अच्छा यहाँ पे -1 था तो वो -1 यहाँ पे लिखना रह गया -1, तो -1 - 1 क्या हो जाएगा -2, और 3 + 3 हो जाएगा 6। देखो अभी 1/2 करेंगे हम इसको, तो 12 का हाफ 6, ये -2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3, ये हमें मिला है m। अब आप इसको देख सकते हो कि ये सिमेट्रिक है। वो कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर m इज इक्वल टू m डैश हुआ, मतलब m इज इक्वल टू m ट्रांसपोज हुआ, अच्छा अब ये दिख रहा है, तो ये 1/2 करके ये आंसर मिला है, दिस इज अवर m। अब देखो m जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे पता चलेगा, m इज इक्वल टू m ट्रांसपोज होना चाहिए, तो ये m ट्रांसपोज फाइंड किया। अब ये दोनों का आंसर देख लो, दोनों ही सेम है, m ट्रांसपोज करने से भी ये दोनों सेम मिले, मतलब कि यहाँ पे m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m है, तो हम लिख सकते हैं कि m क्या था, 1/2 a प्लस a प्राइम a डैश, तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज जो है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक तो ये मिल गया जो सिमेट्रिक है, अब दूसरा हमें स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना है, फिर उसका सम जो है वो हमारा ओरिजिनल a होना चाहिए। अब देखो लेट्स टेक n इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a प्राइम, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक बनने वाला है, तो 1/2 ये a माइनस a ट्रांसपोज, 6 - 6 = 0, -2 - -2 = 0, ऐसे करके ये सारे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 0 0 मिल जाएगा, और 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही मैट्रिक्स रहेगा। अब इसमें से देखो मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, बराबर, पहले एक काम करते हैं, n के बाद n ट्रांसपोज फाइंड कर लेते, तो n ट्रांसपोज भी वही होगा, और इसमें से माइनस साइन बाहर निकालूंगा तो भी ये वही रहेगा, मतलब कि मैं लिख सकता हूँ n ट्रांसपोज इज इक्वल टू -n। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सो दैट n इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a प्राइम इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक तो हमारे पास एन आ गया जो स्क्यू सिमेट्रिक है, और एक आगे हमने देखा था एम जो कि सिमेट्रिक था। अब ये हमने क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है कि नाउ ऐड एम एन ऐड, तो ये एम हो गया, ये एन हो गया, एडिशन करके हमें ये मैट्रिक्स मिला है जो कि हमारा ओरिजिनल जो ए था उसके इक्वल मिला। तो यहाँ से लिख सकते दस ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो ए बी माइनस बी ए को हमें देखना है, तो ए बी क्या है, ए और बी जो है दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो, और स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, तो ए मान लो कि एन क्रॉस ए है, तो ए ट्रांसपोज भी क्या मिलेगा, एन क्रॉस ए, बराबर। दूसरा कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि जब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो या और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज हो, तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज विद द ऑर्डर एन क्रॉस एन। अब देखो ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज, क्यों ये दिखा रहा हूँ मैं कि अगर ये जो है वो सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा कि इसका ट्रांसपोज और इसका आंसर दोनों का सेम होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो आगे माइनस साइन आ गया आ जाएगा। तो देखो ये जब भी ये ट्रांसपोज हो इधर, तो ट्रांसपोज हम अंदर लगा सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने, ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है ये वाली, तो उसके हिसाब से यहाँ पे दोनों का हमने लगा दिया है। ओके अब देखो जब ए बी ट्रांसपोज होता है तो उसको जब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हो जाता है, या ये कौन सा वाले फॉर्मूला यूज़ किया है, मान लो कि एक्स वाई का ट्रांसपोज है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वाई ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज, उसके हिसाब से ये हुआ है। फिर इसमें क्या है कि बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब माइनस साइन बाहर निकाल दो तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। अब देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया तो आगे माइनस साइन होकर के ओरिजिनल वाला मिल रहा है, ये ट्रांसपोज नहीं है, इसको कंसिडर मत करिएगा। तो दिस इज हाउ ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, मतलब आपका जो आंसर है वो ये वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन ए प्लस ए आई इज इक्वल टू, सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वाई, अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है एक्सप्रेशन जो है वो वेरीफाई होता है। देख लेते हैं, ऑप्शन है पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री, पाई थ्री, पाई बाई टू, इसका आप अंदर वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, और अगर वैल्यू पुट नहीं करनी है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को यहाँ पे हम लगा देते हैं, ये ए हुआ ये ए ट्रांसपोज हुआ बराबर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इज इक्वल टू आई, आई क्या हो गया 1001, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा माइनस सॉरी कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू ये, तो इक्वल दोनों मैट्रिक्स हुए, तो 2 cos alpha इज इक्वल टू 1 हम कंपेयर कर सकते हैं, 2 cos alpha इज इक्वल टू 1, तो cos alpha इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, alpha इज इक्वल टू पाई बाई थ्री पे, मतलब कि आंसर हो जाएगा आपका P। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।